तो आज मैं पढ़ूंगा सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। सोर्सेस तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के लिए जो सोर्सेस हमें मिले हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, वो दो में हम डिवाइड करते हैं। पहला आ जाता है मटेरियल रिमेन्स, सेकंड वन इज लिटरेरी सोर्सेस। मटेरियल रिमेन्स मतलब आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स जो भी होगी, या फिर टेम्पल, वही सब उसी में आ गया। पॉइंट्स, स्क्रिप्चर्स एक्सेट्रा। लिटरेरी सोर्सेज में जो रिटर्न वर्क्स, रिटर्न रिपोर्ट्स ले लेते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ है C14, या फिर हम इसको कहते हैं रेडियो एक्टिव डेटिंग। यूज्ड और यूज, इससे हमें ऑब्जेक्ट के एज की पता चलता है, कौन सा ऑब्जेक्ट कितना पुराना है। ये C14 रेडियो एक्टिव डेटिंग से हमें पता चलता है। जो भी आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग होती है उसमें जो एग्जैक्ट जो ईयर बता दिया जाता है वो इसके वजह से बता दिया जाता है। अब मटेरियल रिमेन्स में तीन है, इंस्क्रिप्शंस। अब स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। कॉइंस, इसकी स्टडी को कहते हैं न्यूमिस्मैटिक। और तीसरा अपना वो है मोन्यूमेंट्स, वेपन्स, टूल्स, पोट्री। मोन्यूमेंट्स हो गया, वेपन्स हो गया, कोई भी टूल हो गया, पोटरी भी, ये हो गया सब आर्कियोलॉजी में। नेक्स्ट पेज, अब लिटरेरी सोर्सेस। नॉन लिटरेरी सोर्सेस आल्सो डिवाइडेड इनटू टू। फर्स्ट वन इज रिलीजियस, एक हो गया सेक्युलर। रिलीजियस सोर्सेस में हम ले सकते हैं वेद्स, वैदिक टेक्स्ट, हमारे पास बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, सेम जैन टेक्स्ट। यहाँ पे इंडिजिनस जो इंडियंस का रिटर्न रिकॉर्ड है किसी भी इंडियन ने, जैसे कालिदास ने लिखा हुआ है, महाभारत है, रामायण है, वो सब इंडिजिनस में आएगी। एंड फॉरेनर्स अकाउंट, जो किसी फॉरेनर ने आके इधर लिखा हो, जैसे इंडिका रिटन बाय मेगास्थनीस, वो इसमें आ जाती है। अभी हम वैदिक टेक्स्ट देखते हैं। वैदिक टेक्स्ट में वेद हमें पता, चार वेदास, चार होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसी में पहला ब्राह्मणास आएगा। ब्राह्मणास में जो भी रिलीजियस टेक्स, रिलीजियस रिचुअल्स हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। सॉरी, जो भी रिलीजियस रिचुअल्स हैं, जैसे होल सेक्रीफाइस जो अश्वमेध यज्ञ होते थे, वो सब के बारे में ब्राह्मणास में लिखा है। इसके अलावा अरण्यकास और उपनिषद्स, दोनों ने फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स के बारे में बताया, स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल। उसके बाद वेदांगास, ये इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वेद माना जाता है, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वेद।
ये छह होते हैं, फर्स्ट वन शिक्षा जिसको हम एजुकेशन कहते हैं, कल जिसको हम रिचुअल कहते हैं जिसको हम एजुकेशन, व्याकरण ग्रामर, निरुक्त एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी किसी भी शब्द के ओरिजिन में जाके उसके हिस्ट्री का पता लगाना इज एटिमोलॉजी, स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड, इसको निरुक्त कहते हैं। इसके अलावा शांत, मैट्रिक्स एंड ज्योतिष, एस्ट्रोनॉमी। अभी उपवेद्स, उपवेद्स कितने, चार हैं, कौन कौन से, आयुर्वेद डील्स विथ मेडिसिन, गंधर्ववेद डील्स विथ म्यूजिक एंड ट्यून्स, धनुषवेद ये तो समझ में ऐसे आ रहा है, आर्चरी, और चौथा है शिल्पवेद, शिल्पवेद से ज्योमेट्री। इसके अलावा और पुराण्स हो गए, पुराण्स अपने पास 18 हैं, एंड उप पुराण्स हैं ये भी अपने पास 18 है, और इसमें हिस्टोरिकल अकाउंट्स हैं सब में ब्रीफली होगी। अभी इसके बाद बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में हमें मिलेगा त्रिपिटकास, बेसिकली ये है टीचिंग ऑफ गौतम बुद्ध। त्रिपिटकास तीन है, पहला विनय पिटक, इट कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नंस, जैसे क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, कैसी बातें करना है, ये सब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो विनय पिटक में लिखे हैं। इसके बाद सूत्र पिटक, इसमें स्टोरीज एंड टीचिंग्स, टीचिंग्स ऑफ लाइफ, मोरालिटी ये आपको मिलता है। तीसरा है अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ, सॉरी, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ बुद्धिस्ट टीचिंग आपको मिलेगी। ये थोड़ा क्या हो जाता है डीप फिलोसफिकल स्टफ, ये हो गया बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स में। एक जताक स्टोरी भी है, क्या है जताक स्टोरीज, वो ये लाइफ स्टोरीज ऑफ गौतम बुद्ध। अभी अपन जैन टेक्स्ट में चलते, जैन टेक्स्ट में पहला जैन अगम्स, ये टीचिंग ऑफ महावीर यहाँ मिलेगी। अब महावीर कौन थे, 24th जैन तीर्थंकर। इसके अलावा कल्पसूत्र, इसमें बायोग्राफी ऑफ जैन तीर्थंकर्स।
ये रिलीजियस टेक्स्ट है जिसको हम यूज़ करके ऐसे सोर्स हमें यूज़ करते हैं टू रिकंस्ट्रक्ट द एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसके अलावा जो सेकुलर टेक्स्ट है, सेकुलर लिटरेरी टेक्स्ट है जिसको हमने एक इंडिजिनस लिया था, इंडिजिनस में अर्थशास्त्र आ सकता है, राइटर कौटिल्य जो चाणक्य थे, इसके अलावा महाभारत, रामायण, कालिदास को इंडियन शेक्सपियर कहा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी। इनकी जो राइटिंग है जैसे अभिज्ञान शकुंतलम, और मावली का अग्निमित्र, मेघदूत, दीज आर ऑल सेकुलर टेक्स्ट जिससे हम लोग को हिस्ट्री का पता चलता है। और फॉरेन टेक्स्ट में अगर हम लेते हैं, फॉरेन अकाउंट अगर हम लेते हैं तो हमें पता चलती है इंडिका, रिटन बाई मेगास्थनीस। ये मौर्य एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे सेल्यूकस के द्वारा एम्बेसडर भेजा गया था, जो ये चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में रहते थे, उन्होंने ये इंडिका बुक लिखी थी। इस इंडिका बुक में मौर्य एम्पायर ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चलो तो काफ़ी लंबी हो गई वीडियो, काफ़ी इतना मैंने आज सोर्सेस ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री सीखा, कल हम आगे बढ़ेंगे।